तैयारियां निरंतर भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती रहती है। पिछली जब से सरकार बनी है, केंद्र की सरकार बनी है, प्रदेश की सरकार बनी है, निरंतर जैसे अपने परिवार की देखभाल की जाती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी नहीं करती है। अपने लोगों की, अपने परिवार के लोगों की तरह, एक एक गांव के व्यक्ति की, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उन सबकी चिंता कर रही है। तो चुनाव की तैयारियाँ उन लोगों को करनी चाहिए, उनको डरना चाहिए जो लोगों से जुड़े नहीं हैं। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, सभी लोग कहते हैं, हमारे विपक्ष के जो अपने आप को मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं वो भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? कोई तैयारी थोड़ी करनी थी भाई, कोई घर में बीमार है तो तभी उसको मालूम करोगे, हैं? जब वोट आ गए, देने का समय आ गया, तब याद करेंगे? नहीं जी यार, वो बीमार भाई साहब है, उसको याद करना है। अरे उससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि परिवार का व्यक्ति है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस तरीके से तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि वो एक एक व्यक्ति जो परिवार का, उसका ध्यान रखना पड़ता है शुरू से। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तभी चिंता कर रही है। क्या क्या मुद्दे होंगे इस विधानसभा के? विधानसभा के जो मुद्दे हैं, विपक्ष ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए, जो मुद्दा तो मैंने आपको बताया 80 और 20 का है, जो 20 वाले लोग हैं उनको हमको समझाना है कि हम किसी धर्म, किसी जाति से, किसी की किसी तरीके के कपड़े पहनने वाले से, कोई क्या पहनता है, क्या ओढ़ता है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमने सबकी चिंता की है, किसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, किसको किसान की जो निधि है, सम्मान योजना है, उसको किसको नहीं देखा गया है, किसके घर में बिजली नहीं पहुंची है। लोग कहते हैं कि 300 यूनिट माफ़ कर देंगे। अरे भाई साहब, बिजली नहीं दोगे तो माफ़ क्या कर दोगे, हैं? माफ़ कौन करता है, कौन किसी को माफ़ कौन कर सकता है? जो दे रहा हो आप दे ही नहीं रहे, माफ़ क्या करेंगे? आप याद कर लीजिए, आप खुद लोग बरेली के रहने वाले हैं, कितनी लाइट आती थी लोगों की। आप समझिए कि जो इन्वर्टर थे, जनरेटर थे, उनकी दुकानों को नुकसान हुआ है, सच बात यह है। सिटिंग विधायक का टिकट कटा है, आपको दिया गया है, तो इसका कुछ असर पड़ सकता है या? देखिए, यदि लोग हैं समाज में, कभी कभी एक परिवार में भी अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं। परिवार के लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब ये वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, दूसरे व्यक्ति को बना देंगे, उसको लड़ना चाहिए इलेक्शन। ये तो ऊपर वालों का निर्णय है, जो पार्टी डिसाइड करती है। मुझे नहीं लगता किसी के आने जाने से आज तक कभी परिवर्तन पड़ा है, तो अब पड़ेगा। क्या लगता है जो सिटिंग विधायक हैं उनसे बेहतर विकास कर पाएंगे आप? देखिए, जो विधायक का कार्य होता है वो सामाजिक में एक समरसता बनानी होती है। जब लोग इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करते हैं कि उस विधायक ने विकास कराया या उस विधायक ने विकास कराया, लेकिन यदि हम डिटेल में जाएंगे, सच को जानने का प्रयास करेंगे, तो जो मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का जो चीफ, हमारा जो सेंट्रल कमेटी है, वो एक डेवलपमेंट को, पूरे विकास का खाका तैयार करती है। यदि कोई बड़ा सा यहाँ से कोई रोड निकलता है तो कोई खाली बिथरी से तो जा नहीं सकता, वो आंवला से भी जाएगा, बिथरी से भी जाएगा। मूल रूप से विधायक की दृष्टि से मुझे जो लगता है, जो कार्य होते हैं वो छोटे छोटे कार्य होते हैं। विकास के लिए तो सेंट्रल की जो मुख्य विकास जो दिखते हैं कि ये ओवरब्रिज बना, ये सरकार हमारी कर रही है, निरंतर आप देख रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ से रिंग रोड बनने वाला है, बनेगा ही। लेकिन कुछ मुझे लगता है जो चीज़ है, जो ये रामगंगा है अपनी, अभी बरेली के अंदर जो हमारा सिटी शमशान भूमि है, वहाँ की व्यवस्थाएँ उतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं, और धीमे धीमे क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, मृत्यु दर भी बढ़ रही, मतलब मृत्यु, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की, मरने वालों की संख्या ज़्यादा, तो एक बढ़िया सब ग्रह जैसी स्थिति जो रामगंगा है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में लोगों को गंगा स्नान करने की, अस्थियां विसर्जन करने की, तो एक बढ़िया सा सुंदर कुंड बना के, जिससे कि लोगों को, कई बार मैं जाता हूँ कि वो गंदे पानी में स्नान करते हैं, वो व्यवस्था मेरी इच्छा ज़रूर है कि एक सुंदर ऐसा बने कि भव्य बने, और मंदिर जैसी स्थल हो जहाँ पवित्रता हो, लोग जाएँ तो लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, तो ऐसा ज़रूर मेरे मन में है कि वहाँ पर कुछ अच्छा किया जाएगा। ठीक है।